और इस वक्त की बड़ी खबर, भगोड़े जाकिर नाइक पर मलेशिया सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जाकिर नाइक पर मलेशिया में कहीं भी भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भगोड़े जाकिर नाइक पर मलेशिया की सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले कल हमने आपको बताया था कि 8 राज्यों में यह बैन लगा है, अब मलेशिया सरकार ने कहीं भी भाषण देने पर पाबंदी लगा दी है। मलेशिया में अब भाषण नहीं दे पाएगा जाकिर नाइक। आपको बता दें, भारत पहले ही मलेशिया की सरकार से कई बार इस बात के लिए आग्रह कर चुका है कि जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण भारत को किया जाए, लेकिन जाकिर नाइक को वहां पर परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा हासिल है। मलेशिया के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले यह बात कह चुके हैं कि अगर यह बात साबित हो जाए कि मलेशिया के लिए जाकिर नाइक नुकसानदेह हैं, तो यह परमानेंट रेजिडेंट का जो दर्जा उनका है वो खत्म किया जा सकता है। और जैसे एक एक करके उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में पाबंदी लगी और अब जाकिर नाइक पर पूरे मलेशिया में पाबंदी लग गई है, उससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जाकिर नाइक। भगोड़े जाकिर नाइक पर मलेशिया में भाषण देने पर अब पूरी तरह से रोक है। जाकिर पर हिंदुओं और चीन के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, भारत तो कई बार प्रत्यर्पण के लिए आग्रह कर चुका है, लेकिन मलेशिया में जिस तरह की हरकतें जाकिर नाइक की रही हैं, अपने आप ही उसने खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। निश्चित तौर पर विशाल, देखिए कल भी हम इस बारे में जब बात कर रहे थे तब हमने यही कहा था कि खुद जाकिर नाइक जो है वो अपने कब्र खोद रहा है मलेशिया में। लेकिन अब जो ताजा अपडेट मिली है मलेशिया की सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक कल जो है तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा समय तक जो है मलेशिया की पुलिस ने उससे पूछताछ की है, उसका बयान दर्ज किया है। हालांकि जाकिर नाइक ने एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज किया है जिसमें उसने अपनी सफाई दी है, लेकिन मलेशिया सरकार ने अपना रुख जो है साफ करते हुए उसके तमाम भाषणों पर, उसके तमाम गैदरिंग पर पूरे मलेशिया में जो है बैन कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के 13 स्टेट और 3 टेरिटरीज हैं वहां पर, और इन सभी के सभी 16 जगहों पर जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। वहां के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया है विशाल, और उसमें उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग वकील को इस बारे में नियुक्त किया हुआ है, और वो इस बात को लेकर के आगे उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी कि मलेशिया से जाकिर नाइक को निकालकर या तो वापस दोबारा भारत भेजा जाए या फिर कम से कम वो किसी दूसरे देश में शरण ले जो उसे असाइलम देने के लिए तैयार है। तो ये बात तो तय है कि अब मलेशिया जाकिर नाइक को पनाह देना नहीं चाहता। ऐसे में अब बहुत जल्दी जो है जाकिर नाइक की किस्मत का फैसला होगा कि क्या उसे वापस भारत जो है भेजा जाता है, भारत को उसके प्रत्यर्पण में जो सफलता मिलती है, या फिर उसे पनाह लेने के लिए किसी दूसरे देश में भागना होगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालत है, कोई भी जो देश है वो जाकिर नाइक को पनाह देने के लिए या असाइलम देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत जो है भारत सरकार की वो बिल्कुल। तो भगोड़े जाकिर नाइक पर मलेशिया में भाषण देने पर रोक, बड़ी कार्रवाई मलेशिया की सरकार की तरफ से की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।